प्रधानमंत्री श्रम योगी की बात करें, वो सभी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इन जनसेवा केंद्रों को चलाने वाली इन महिलाओं के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारतवर्ष में दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे करीब 1,00,000 जनसेवा केंद्र हैं जो क्रियान्वित हैं आज की तारीख में, जिसमें कि 20% 20,000 केंद्र जो है हमारी महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं। पूर्णतया हमारी महिलाएं मैम यहाँ पे ही अभी एक्सपीरियंस शेयरिंग ये लोग देंगे आपको कि एक एक एंटरप्रेन्योर कैसे काम करता है, वो एक सीख इन्होंने दिखाई है अपने जज्बे से, अपने उस जो अथक प्रयास है इनके, उससे पिछले करीब 10 सालों की मेहनत है कि आज यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं। और आज का इतना पावन दिन है जिसमें कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। सावित्री देवी, रामा देवी, ये सभी महिलाएं स्टेज पर आ जाएं, मैम के हाथों से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। संयुक्त भाटिया मैडम और यहाँ आने वाली सभी महिला रैलीज का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एक बार तालियों के साथ मैम का स्वागत करेंगे। देश की नारी के बिना अधूरी है, या हम यह कह सकते हैं कि सृष्टि को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब उसमें नारी सम्मिलित होती है। इसीलिए नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया है। हमारे शास्त्रों में भी नारियों को पूजनीय बताया गया है, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई, उनके प्रति समर्पण की बात की गई है। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। वैश्विक स्तर पर जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को आज सम्मानित भी किया गया है। सोनभद्र की भी 2 महिलाओं को लखनऊ में सम्मानित किया गया है, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम उन बातों की चर्चा करेंगे कि हमारे यहां शास्त्रों में या सामाजिक व्यवस्था में नारी को कौन सा स्थान दिया गया है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। कभी कभी व्याख्यानों में यह बात आती है कि नर के बराबर नारी को स्थान दिया जाना चाहिए, जबकि मेरा मानना है कि नर से अधिक नारी को सम्मान दिया जाना चाहिए। हमारे यहां शास्त्रों में नर से अधिक नारी को सम्मान दिया गया। बराबरी की बात करने का मतलब है उनके सम्मान में कमी करना। हां, एक बात और है, जिस समाज में नारी को बराबर का सम्मान नहीं मिला हुआ है उन्हें हम सर्वोच्च सम्मान दें, उससे पहले हमें उन्हें बराबरी का सम्मान देना होगा। इसलिए प्राय इस तरह की बातें करनी चाहिए। नर से नारी वैसे भी श्रेष्ठ है, हमारी सृष्टि में नारी को नर से अधिक महत्व दिया गया। हम यहां पर मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 से लेकर 60 तक की चर्चा करते हैं। यत् नारयस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूजयन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया, यत्र तु नार्य पूजयन्ते तत्र देवता रमन्ते, यत्र तु यता न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति। अर्थात जहां स्त्री जाति का आदर सम्मान होता है, उनकी आवश्यकताओं अपेक्षाओं की पूर्ति होती है,
उस स्थान, समाज और परिवार पर देवतागण प्रसन्न रहते हैं। जहां ऐसा नहीं होता और उनके प्रति तिरस्कारमय व्यवहार किया जाता है, वहां देव कृपा नहीं रहती है और वहां संपन्न किए गए कार्य सफल नहीं होते। सोचन्ति जामयु यत्र विनश्यात्याशु तत्कुलम्, न सोचन्ति तु यत्तता वर्धते तत्ति सर्वथा। यत्र जामय सोचन्ति तत्कुलम् आशु विनश्यति, यत्र तु यता न सोचन्ति ततः सर्वथा वर्धते। अर्थात जिस कुल में पारिवारिक स्त्रियां दुर्व्यवहार के कारण शोक संतप्त रहती, उस कुल का शीघ्र ही विनाश हो जाता है, उसकी अवनति होने लगती है। इसके विपरीत जहां ऐसा नहीं होता और स्त्रियां प्रसन्नचित रहती हैं, वह कुल प्रगट करता है। समझने के लिए, परिवार की पुत्रियों, वधुओं, नव विवाहिताओं आदि जैसे निकट संबंधिनियों जामी कहा गया है। जामयो यानी गेहानी सपंत्या प्रतिपूजिता तानि कृत्या हतानि विनश्यन्ति समन्तत। अप्रतिपूजिता जामय यानि गेहानि सपयन्ति तानि कृत्या आहतानि इव समन्तत विनश्यन्ति। अर्थात जिन घरों में पारिवारिक स्त्रियां निरादर तिरस्कार के कारण असंतुष्ट रहते हुए शाप देती हैं, यानी परिवार की अवनति के भाव उनके मन में उपजते, वे घर कृताओं के द्वारा सभी प्रकार से बर्बाद किए गए से हो जाते। यानी कृत्या उस अदृश्य शक्ति की द्योतक है जो जादू टोने जैसी क्रियाओं के किए जाने पर लज्जित व्यक्ति या परिवार को हानि पहुंचाती है। तस्मा देता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनय भूतिकामय नर नृत्यम सत्कारेषु तस्य वेषु च। तस्मात् भूतिकामय नर यदा जामय नित्यम सत्कार्य उत्सवेषु च भूषणात् आच्छादनम अशनय सदा पूज्या। अतः ऐश्वर्य एवं उन्नति चाहने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वे पारिवारिक संस्कार कार्यों एवं विभिन्न उत्सवों के अवसर पर परिवार की स्त्रियों को आभूषण, वस्त्र और सुस्वाद भोजन आदि प्रदान करके आदर सम्मान व्यक्त करें। संतुष्टो भार्याया भरता भत्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नैव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। यस्मिन् एव कुले नित्यं भारता भरता संतुष्ट तथा एव च भर्त्रा भार्या तत्र वै कल्याणं ध्रुवम्। अर्थात जिस कुल में प्रतिदिन ही पत्नी द्वारा पति संतुष्ट रखा जाता है और उसी प्रकार पति भी पत्नी को संतुष्ट रखता है, उस कुल का भला सुनिश्चित है। ऐसे परिवार की प्रगति अवश्यंभावी है। मातृशक्ति को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, सत सत प्रणाम करते हैं। आज ही के दिन लखनऊ में सोनभद्र की दो मातृशक्तियों को सम्मानित किया गया। अब उनकी चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सोनभद्र की सावित्री देवी और पूनम देवी को सम्मानित किया गया। सोनभद्र की दो शिष्यी वीएलए सावित्री देवी और पूनम देवी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित सीएससी महिला वर्कशॉप में
केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को स्थानीय लोगों ग्रामीण तक ई श्रम, टेलीला कानूनी सलाह, डीजीपे, आयुष्मान भारत कार्ड, बिजली बिल, टेली मेडिसिन सुविधा, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, श्रमिक पंजीकरण और अन्य शासन से संचालित योजनाओं में अव्वल रहने पर यूपी टॉप 10 में चयनित होने पर प्रमुख सचिव कल्चर विभाग संयुक्ता भाटिया, मेयर लखनऊ और अतुलित राय सीएससी स्टेट हेड ने सम्मानित किया। इस मौके पर अतुलित राय ने कहा कि 8 मार्च को हर साल महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं को एहसास दिलाया जाता है कि वो समाज के लिए कितनी खास है। इसके अलावा महिलाओं के महत्वपूर्ण कार्यों और प्रयासों के लिए सीएससी ने सम्मानित कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक बार फिर से हम सभी मातृशक्ति को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।